अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में। तो आज आपकी बहन एक और टिप के साथ हाज़िर हुई है, एक मज़ेदार टिप के साथ आपके हाज़िर हुई है। तो टिप नंबर वन हम शुरू करते हैं। टिप नंबर वन ये है कि आप ये कटोरा देख रहे हैं, ठीक है, ये अक्सर जो है ना सालन वाले ने इसके अंदर भरते हैं और स्पून जो रखते हैं ना तो वो अक्सर जो है ना स्पून बह जाती है। कटोरा खैर छोटा है तो स्पून मेरी पूरी बह नहीं रही, लेकिन बाद अकात ऐसा होता है कि कटोरा अक्सर भरा होता है और स्पून बह के पूरी जो है ना सालन के अंदर डिप हो जाती है। तो उसको जो है ना वो करने के लिए, बैलेंस रखने के लिए कि वो डिप ना हो, तो उसके लिए एक अमेजिंग टोटका मैं आपके पास लेकर आई हूँ। जो रबर बैंड आप देख रहे हो ना, उसको दो हिस्से में फोल्ड करके ऐसे चम्मच के अंदर जो है ना आपने लगा दिया, तो उसके बाद ये रबर की मदद से जो है ना स्टे हो जाएगी और ये बहेगी नहीं चम्मच, ठीक है। तो मैं आपको दोबारा ही करके दिखा दूँ, ये अगर हम बगैर रबर के रखते तो ये बह जाती है, और अगर हम इसी में रबर बैंड बांध दें, ठीक है ना, और जो है इसको रख दे, तो ये देखो कैसे स्टे हो गई है ना, मज़ेदार और अमेजिंग टोटका। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। टिप नंबर टू, टिप नंबर टू है, ये भी बहुत मज़ेदार टिप है। अगर जो है ना बाद अकात ये होता है कि बच्चे जो है ना अपने हाथों में, पैरों में पेनों के निशान कर दे, तो उसके बाद जो है ना पेन के निशान इतनी आसानी से वॉश करने पे जाते नहीं है, और जो है ना माएँ परेशान हो जाती है, बच्चों को अलग डांटना शुरू कर देती है कि भाई निशान कैसे हटेंगे, और इतना रगड़ 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 धुला रहे होते हैं हाथ पाँव, साबुन से घसीट रहे होते हैं। तो उसके लिए सबसे आसान और अमेजिंग टोटका है कि आपके घर में कोई भी परफ्यूम या स्प्रे पड़ा होगा ना, उसमें जो है ना आपने उसको सिर्फ ऐसे ज़रा सा स्प्रे कर देना, कोई भी घर में अवेलेबल बॉडी स्प्रे या परफ्यूम होगा उसको ऐसे स्प्रे कर देना है, और ये दो मिनट के अंदर निशान आपके हाथ से गायब हो गए। तो है ना कमाल की टिप। आज के बाद जो है ना आप जो है बच्चों को पेन के निशान पे डांटेंगे नहीं, बल्कि जो है ना उनको एंजॉय करने देंगे, क्योंकि कहते हैं कि इस तरह की चीज़ों से ना बच्चे काफ़ी चीज़ें लर्न भी करते। वो कहते हैं ना दाग तो अच्छे होते, तो ये जो है आज के बाद जो है ना आप अपने बच्चों को डांटेंगे नहीं। टिप नंबर थ्री, टिप नंबर थ्री बहुत मज़ेदार टिप है, ये भी टिप बहुत अच्छी है। आपके घर में जो है आप सालन बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, खाना वाना बनाते हो, तो प्याज के जो छिलके और लहसुन के छिलके और बच जाते हैं, हरी मिर्च की डंडियाँ बच जाती है, ठीक है ना, ये सब बच जाते हैं ना, इसलिए आप उसको आपने ज़ाया नहीं करना। इससे आप एक ऐसी अमेजिंग कमाल की चीज़ बना सकते हैं ना कि जो है ना आप हैरान हो जाएंगे सुन के। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि इससे क्या बनेगा, ठीक है ना। आपने सबसे प्याज से छिलके, लहसुन के छिलके, हरी मिर्च के जो डंडियाँ होते हैं ना, ये आपने ले लेनी है, उसको एक पतीली में डाल के ठीक है। पतीली में डालने के बाद उसको आपने चूल्हे पे रख के, चूल्हे में रख देना है। चूल्हे में रखने के बाद जो है ना आपने जो है क्या करना है, उसमें एक कप जो है, एक ग्लास जो है भर के पानी के डाल देना है, ठीक है ना। पानी का डालने के बाद आपने चूल्हा ऑन करना है। चूल्हा ऑन करने के बाद इसको जो है जोश आने देना है। इतना देर तक जोश, मतलब 5 से 10 मिनट आप इसको जो है वो पकाओगे, इतना कि जो है इसमें से जो प्याज और जो है इसका जो अर्क है ना वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। प्याज और लहसुन का अर्क निकल जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते, जो लहसुन और हरी मिर्च की जो कॉम्बो है ना, ठीक है, उनकी जो एक करवाहट निकलती है ना, उससे जो है ना आप क्या अमेजिंग काम कर सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने जो है ना इस चूल्हे पे इसको 10 मिनट के लिए रख देना है। रखने के बाद जो है आप इसको रखने के बाद जो है ना, जब ये जोश आ जाए और इसका जो है अर्क सारा निकल जाए, तो आपने जो है इसको ठंडा करने के लिए रख देना है। ठंडा करने के बाद कोई भी स्प्रे की खाली बॉटल लेनी है, ठीक है, खाली बॉटल लेनी है स्प्रे वाली, जो जैसे आप फिर आप कोई पेप्सी 7 अप की बॉटल लेके उसके ऊपर जो है स्प्रे भी लगा सकते हो, 20-30 रुपये का स्प्रे मिलता है, ठीक है, वो आपने लगा दिया। इसके बाद जो है ना उसको उस जगह पर छिड़कना है जहाँ पर आपको लगता है कि घर में चुपकली आती है। आप सोच भी नहीं सकते कि इसकी खुशबू से और जो है इसकी जो है करवाटिक जो उससे होती है ना, उससे चुपकली कोसों दूर रहती है और घर की तरफ भटकती भी नहीं है, और आपको जो है ना चुपकली से निजात मिल जाती है। तो बहुत मज़ेदार टिप है, एक दफ़ा ज़रूर आजमा के देखिएगा। आजमाने के बाद इसका रिज़ल्ट जो है ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन पर बताएगा कि इसका रिज़ल्ट आपको कैसा लगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और इतना तो मेरा हक बनता है यार, आप लोगों के लिए इतने मज़े मज़े की टिप लेकर आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने का तो हक मेरा बनता है ना। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल फिर इसी टाइम पे एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी, नई टिप के साथ हाज़िर होंगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।